अलग अलग प्रकार से इसका सामना किया होगा, कईयों ने इसका आनंद लिया होगा और कई इससे दुखी हुए होंगे। जिन्होंने इसका आनंद लिया उन्होंने इसका को क्षीण कर दिया और जो दुखी हुए उन्होंने अपने प्रारब्ध को और अधिक घनी भूत कर दिया, मोटा कर दिया, चक्का कर दिया। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार की आपदा सामूहिक रूप में जो आई है हो सकता है बिरादरी में भी आए, किसी रूप में जिस रूप में यह प्रकट हो जाए कोई पता नहीं, कहां प्रकट हो जाए कोई पता नहीं, कब प्रकट हो जाए कोई पता नहीं। कभी भी प्रकट हो सकती है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, महामारी के रूप में प्रकट हो सकती है, भूकंप के रूप में प्रकट हो सकती है, तूफान के रूप में प्रकट हो सकती है, बाढ़ के रूप में प्रकट हो सकती है, अतिवृष्टि के रूप में प्रकट हो सकती है, किसी भी रूप में प्रकट। आपने ऊपर कई प्रकार के व्यक्तिगत प्रश्न भी आएंगे क्योंकि आपका प्रारब्ध बाकी है। जब प्रारब्ध बाकी है तो इसका अर्थ यह है कि प्रश्न भी आपके आने बाकी है। तो आपके जब प्रश्न आएंगे, चाहे वो सामूहिक प्रश्न हो और चाहे वो व्यक्तिगत प्रश्न हो, उनका सामना अवस्था में प्राप्त करके करना। चित्त को संतुलित अवस्था में रख करके हर मुसीबत का, हर दुख का, हर कष्ट का सामना करना और प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हुए उस कष्ट को, उस दुख को निकाल देना, समाप्त कर देना, यही आपका प्रारब्ध को क्षीण करने का एकमात्र उपाय है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है और उसने देखा है कि साधना से संचय संस्कारशील होते हैं, प्रारब्धशील नहीं होता। शक्ति संचय संस्कारों को उभार करके क्रियाओं में प्रकट कर देती है, किंतु प्रारब्ध कर्म इस दृश्यमान जगत के अंदर प्रकट दुख के रूप में आपके समक्ष प्रत्यक्ष होकर के आपको सुखी और दुखी करता है। आप सुखी दुखी हो गए, वो कर्म और मोटा हो गया, आपने उसको प्रसन्नता पूर्वक सहन कर दिया तो वो कर्म क्षीण हो गया। तो इसलिए मनुष्य के अंदर यदि इस प्रकार की आपदा में आप खर्च किया बिना बहुत कुछ हो जाती है, हो गई है हमारी इंद्रिया की जिस। अब यदि देखा जाए तो हमारा शरीर यंत्र चालित हो गया, आंखों पर चश्मा लगाओ तो पढ़ो, मुंह में डायटर लगाओ तो खाओ, कानों में हीरे घेर लगाओ तो सुनो, हाथ में लकड़ी पकड़ो तो चलो, यंत्र चालित हो गया है ये शरीर। इसका अर्थ यह है कि हमारी इंद्रियां काफी दुर्बल, काफी अशक्त हो गई, और जब इंद्रियां अशक्त हो जाती है तो वो एक प्रकार से भगवान की ओर से नोटिस हो जाता है कि तैयार रहो, मृत्यु का रूप धारण करके मैं कभी भी प्रकट हो सकता,
अब अधिक समय बाकी नहीं है, तुम्हारा खाने पीने का समय तो निकल गया, मौज मस्ती की जगह चली गई, अब तो मेरे आने का समय है। राजा परीक्षित की कथा तो आप सबको याद है। उसको कहा गया कि 8 दिन के बाद तुम्हें तक्षक नाग दर्श लेगा और तुम मर जाएगा। 8 दिन में जो कुछ करना चाहते, अभी आप सब की वही स्थिति है, हमारी भी वही स्थिति। आप सबको पता है कि मृत्यु वाले ही है, केवल अंतर इतना ही है कि महाराज तक्षक को महाराज करना महाराजा परीक्षित को पता था कि वो 8 दिन के बाद चला जाएगा, और हमको ये पता नहीं कि कितने दिन बाकी। ये निश्चित है कि मृत्यु एक दिन आने वाली है। तो महाराजा परीक्षित तो लग गए कि मुझे 8 दिन में क्या करना है, लेकिन हम तो गए नहीं, नींद सोए हुए हैं, हम तो माया की गोली खा करके गहरी नींद सोए हैं, दुनिया के अंदर दिल हो गए हो रहे हैं, हमको मृत्यु का याद ही नहीं, मृत्यु का पता ही नहीं, मृत्यु को से हम आंखें बंद करके बैठे हैं। अब मेरी अवस्था लगभग वैसी, ये लोग इंद्रियों की सुशीलता है तो एक प्रकार से स्पष्ट देख रहे मृत्यु देवी आ रही है, तुम्हें आलिंगन करने के लिए तैयार हो जा, तो हम तो तैयार हो चुके हैं, हमने सब ओर से अपनी ओर से समेटना शुरू कर दिया, सब आश्रमों की तरफ से अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। अब यहाँ इस आश्रम में 12 वर्ष के बाद में आया हूं, यही से अंदाजा लगा लो कि मैंने आश्रमों की तरफ से अपने आप को कितना समेट लिया है। तो सभी आश्रमों के ये स्थिति है, इंदौर में आश्रम है तो मुझे वहां गए हुए मैं, हालांकि इंदौर में लगा था, किंतु इंदौर के आश्रम में गए हुए मुझे 10 साल हो गए, 10-11 हो गए, देवास इंदौर पास है, वहां पर गए हुए भी 12 साल हो गए, ऋषिकेश में गए हुए 15 साल हो गए, छिंदवाड़ा अभी गया था वो विशेष प्रकार की परिस्थिति में, और यहां बंबई में अभी आया हूं तो ये भी एक प्रकार से विशेष प्रकार की परिस्थिति है कि जिस प्रकार से गुजरात के अंदर भूकंप आया तो भूकंप आने के पश्चात में मैंने समझा कि मुझे एक दिन बार वहां जाकर के गुजरात की लोगों की चिंता रहेगी तो मैं गुजरात रहेंगे। इसी प्रकार से मेरे मन के जरिए याद आया कि यहाँ पर कितनी अतिवृष्टि हुई है और लोगों को इतना कष्ट हुआ है, तो एक बार जाकर के और मैं इस आश्रम में चला आया। यदि अतिवृष्टि नहीं हुई होती तो मेरा यहां आने का कोई सवाल नहीं। तो अतिवृष्टि का एक फल तो यह हुआ कि आपको कष्ट सहन करना पड़ा, और अतिवृष्टि का दूसरा फल यह हुआ कि आपको मृत्यु का लगा। तो ये अतिवृष्टि का एक शुभ संकेत की है और एक अशुभ संकेत, एक शुभ फल भी है और एक अशुभ फल भी है। शुभ फल मैं आपको दी चुका था, कितना आनंद आ रहा है, सामूहिक भोजन दिया है, सामूहिक सत्संग कर रहे हैं, चर्चा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है, ये सब क्यों? अतिवृष्टि का फल है। तो मैंने ये आपसे निवेदन कर रहा था
कि मैंने अपने आप को सब तरफ से देखना शुरू कर दिया। अब आज आकर के मेरे मुझे जो ऐसी संस्थाएं रह गई जिनके अंदर से मुझे थोड़ा कुछ हस्तक्षेप करके और उसके अंदर वृद्धि देना पड़ती है, उसे मैं आपकी जांच करा रहा हूं। एक तो आपको पता है वहां पर पुस्तक पारिपोषक आध्यात्मिक पुस्तक समाज का एक संस्था का एक चीज है, उसमें मुझे थोड़ा भाई इंटरेस्ट लेना पड़ता है, अभी तक मैं लेता रहा। ये तो इस वजह से मैंने उसमें भी इंटरेस्ट लेना बहुत कम कर दिया। अभी बार मैं उस प्रकार उसका जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में मैं नहीं जा रहा, मैंने उनको कह दिया कि आप अपने किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुला लें और उसे अपना आयोजन करवा लें, मैं इस आयोजन में आने वाला नहीं। ये मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है और ऐसा डिक्लेयर भी कर दिया है, तो उधर से भी मैंने अपने आप को मुक्त कर दिया है। एक संस्था है वृद्धाश्रम जो कि मानवता की सेवा के लिए है, वो किसी परंपरा की नहीं है, इस परंपरा की भी नहीं है, वो मानवता की सेवा के लिए तो संस्था वृद्धों की सेवा, अशक्त लोगों की सेवा, निराश्रितों की सेवा, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके और उनकी उनकी सेवा उनकी देखभाल करने का जुम्मा जो संस्था होती है। वो संस्था उस जमीन मैंने उसमें ज्यादा रुचि नहीं ली, दूसरे लोगों को उसका काम सौंप दिया, वो कुछ खींचा फेटा नहीं पाया। इसलिए पिछले एक साल से मुझे उसके अंदर उनकी रुचि देनी चाहिए। वैसे मैं उसमें कोई टेंशन नहीं हूं, मैं उसमें कोई ट्रस्टी नहीं हूं, मैं उसमें कोई किसी भी प्रकार का अधिकारी ओहदेदार नहीं, केवल उसमें कोई स्थिति देता है, थोड़ा इंटरेस्ट अपना रखा हुआ और वो भी बिल्कुल थोड़े समय के लिए, क्योंकि अब वो संस्था ऐसी परिस्थिति में आ गई है कि वो चल नहीं रही और फिर मुझे उसके अंदर अपनी कार बनाने की आवश्यकता थी। अभी दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक संस्था तो वो होती है जहां पर गुरु होता है। अब गुरु का कार्य क्या है कि जब शिष्य उसके पास आता है तो बिना गुरु के मांगे वो उसको प्रसन्न अर्पण करता है, जब गुरु शिष्य के पास जाता है तो बिना गुरु के मांगे कुछ ना कुछ शिष्य उसको अर्पण करता है, जब गुरु पूर्णिमा आती है तो बिना मांगे शिष्य उस गुरु को सेवा करता है उसको अर्पण करता है। लेकिन वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं जहां पर कोई गुरु नहीं, उनका कोई शिष्य नहीं है, उनका कोई ऐसी परंपरा नहीं, उनका कोई ऐसा मान कोई ऐसा सत्य नहीं है कि वो उनकी उनकी सहायता करें, उन लोगों की परिस्थिति अलग हो जाए। ऐसी संस्थाएं अलग प्रकार की होती हैं, जो गुरु प्रधान संस्थाएं हैं वो अलग प्रकार की होती हैं, तो गुरु को मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि गुरु बिना मांगे ही आ रहा है, बिना मांगे ही उसके पास सेवा चली आ रही है, तो फिर गुरु मांगता फिरे ये तो गुरु का अपमान हुआ। जो गुरु
मानता फिरे, जो वो कहे कि पैर दूसरे दो, शिष्य तो उसको बिना मांगे ही दे रहा है, बिना मांगे ही उसकी सेवा कर रहा है। फिर गुरु को गुरु के लिए मांगने के लिए निकल पड़े तो फिर वो गुरु का क्या था? जहां पर गुरु को और खर्चा होता है ज्यादा, जैसे वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम के खर्चा इस प्रकार के जो आश्रम है उनसे ज्यादा खर्चा है, क्योंकि जो बूढ़े लोग को बीमार हैं उनको करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको सारी चीजों को देते हैं, उनको कपड़ा देते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके लिए देते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए और दूसरी सुविधाएं जुटाते हैं, सब पर उनको खर्चा होता है। और कहा इनकम बिना मांगे कोई चाहता देने वाला नहीं है वहां पर, क्योंकि कोई शिष्य नहीं है, कोई समुदाय नहीं है उसका, कोई उसका संकट नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट लिया, तो फिर कई लोग दूसरे भी उसके लिए मेरी सहायता में खड़े हो गए। हमने किसी से नहीं मांगा उसके लिए, हमने अभी तक नहीं मांगा, हम किसी के पास नहीं गए कि हमको इतना पैसा दो। हमने किसी को ना तो जवानी कहा, ना किसी को विशिष्ट रूप में कहा, ना कोई हमने कोई अपील निकाली, ना किसी को ये बुलाकर के ना कोई मीटिंग बुलाई, ना किसी का प्रचार किया, ना कोई कंप्लेंट निकाला, ना कुछ नहीं किया। लेकिन वो लोग कब तक खड़े हैं? जब तक मैं और वो सब लोग जो है वो हमारी परंपरा से संबंधित भी नहीं है, तो हम तो मानवता का काम है, एक परंपरा का काम नहीं है, इसलिए उसके दृष्टियों में और उसके सेवादारों में और उसके अधिकारियों में ये सब इस परंपरा के ही लोग नहीं है, बाहर के लोग के, और उसमें कुछ हमारी परंपरा के लोग। नाम जरूर उसके हमारा श्री शिवम सेवाश्रम, नाम हमारा है बस, और बाकी हमारा उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम को छोड़ करके और कोई हमारे पास अधिकार नहीं, कोई हमारे पास उसके अंदर संस्कृति नहीं, तो मैनेजमेंट नहीं, तो कुछ नहीं। और जहां वो संस्था चलने लगे कि हमने अपना बहुत उसे हटा लेना है और वो संस्था को उसके जैसा फिर वो चलती है वो चलेगी, और वो चल रही है तो चल रही, तो मेरा कहने का भाव ये था कि हम मृत्यु आ रही है और हम सब तरफ से अपने आप को सचेत करके मृत्यु को आलिंगन करने की ओर आगे बढ़ रहे, सब तरफ से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। सभी आश्रमों से हमने अपने आप को मुक्त कर लिया है, तीन हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं उसमें से हमने अपने आप को मुक्त कर लिया है, कितने आश्रम चल रहे हैं उन सब आश्रमों से हमने अपने आप को मुक्त कर लिया है, वो पुस्तक सम्मान संस्था चल रही है उस स्कूल से भी अपने आप को मुक्त कर लिया है, और एक अब कोई सी पूछ बाकी बची रह गई है वृद्ध आश्रम की, उसकी तरफ से भी हम बड़ी जल्दी अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। केवल उसको एक हमारी इच्छा है कि हम
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਚਲੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਬ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਸੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਚਲਨੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵਚਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਹਮ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬ ਉਸਕੋ ਕੋੜਾ ਥਾ ਹਮ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਸਮੇਟ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, अब अपनी मीटिंग करो, अपने साथ में बैठा कर दिया, अब आप अपनी मीटिंग करो, हमको बुलाने की जरूरत नहीं। अब हमारा काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि जब कभी हमारा मन करेगा महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, विचार करके जा करके चक्कर लगा करके बिना कोई कार्यक्रम हुए, बिना किसी प्रिपरेशन के कभी भी जा करके आश्रम को ले जाने के चक्कर लगाकर के ये करो ये करो ऐसा करो ऐसा करो ये ऐसा है ये ऐसा है, इस प्रकार से जाए तो उपेक्षा करके पश्चाता से लग जाता है, दिक्कत करके हो जाएगा। ये सब मेरा कहने का भाव क्या है? मेरा कहने का भाव यही है कि अब हम बात हो
पर ऐनी जलाऊं तो बात करना अच्छा नहीं लगता, मतलब बिना बिना किसी प्रयोजन से बात करना अच्छा नहीं लगता, लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अकेला मन अच्छा लगता है। ये क्या स्थिति किसका है? ये तुम्हारा तुम्हारे कितने कितने क्वेश्चन तुमने देखे? ये तो चित्त की स्थिति बदलती रहती है। बीच में कभी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, फिर कभी ऐसा लगता है कि अच्छा लगने लगेगा। ये तो चित्त की स्थिति बदलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। जब समाधि अवस्था आती है उसके बाद क्या अवस्था आती है, ये समय से पहले का प्रश्न है। इसको कहते हैं अकेडमिक प्रश्न, इसको कहते हैं बौद्धिक प्रश्न, बुद्धि विलास। साधन अभी बहुत नीचे है लेकिन बुद्धि विलास जो है वो आकाश से ऊपर भ्रमण कर रहा है, आकाश के अंदर वो उठ रहा है। समाधि अवस्था क्या होती है? समाधि के बाद की अवस्था क्या होती है? अभी तुम्हारी अवस्था क्या है? ये तो जहां खड़े हो वहां की बात करो। इसको हमारे शास्त्रों में कहा है, जैसा अधिकार हो वैसी बात करो। अभी हमारा अधिकार तो बिल्कुल नीचे है और हम समाधि की और समाधि के बाद की बातें करते हैं, तो फिर ये तो बौद्धिक विलास कहा जाए। वैसे समाधि की अवस्था के पश्चात समाधि में केवल एक आत्म तत्व रह जाता है, एकता का भाव होता है, और समाधि के बाद फिर ये सारा जगत है ये मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। ये समाधि के बाद की अवस्था, ये बौद्धिक विराम है। अभी तुम्हारी अवस्था ये समझने की नहीं है, लेकिन तुमने प्रश्न किया है इसलिए मैं इसको कहता हूं कि समाधि के बाद वो अवस्था आती है जिस अवस्था के अंदर ये जगत की प्रत्येक वस्तु और दृश्य अपना ही स्वरूप अपना ही फैलाव अर्थात एक शक्ति का विस्तार ये सारा जगत दिखाई देता है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सहनशीलता बढ़ाने के लिए सहनशील होना चाहिए।
और क्या हो सकता है। भाई जितना आप टेंट नहीं बनोगे उतनी देर चिंता करेगी। निवेदन ये है कि प्रत्येक प्रत्येक भक्त को सामने से प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा करें और सभी लोगों की मनोभावना पूर्ण करें। ये प्रश्न क्या हुआ? इसको प्रश्न नहीं कहते, इसको निवेदन कहते, इसको प्रार्थना कहते। ये प्रश्न है देखो, ये जो प्रवास करना है ये मेरे लिए अब इतना, अभी जवानी के दिनों में जो लोग भागते फिरते हैं, कभी तो जाते हैं, कभी तो जाते हैं, कभी तो जाते हैं, उनको पता ही चलता है हम इतना प्रवास कर रहे हैं। लेकिन हम अभी इंदौर से मुंबई आए तो इतना खर्चा है, इतना टूट गए, हमको रात भर होश ही नहीं गई, ऐसे बेहोश होकर के सोए, इतना थक गए हमको रात भर कुछ पता ही नहीं गई रात का कैसे चले रहा है। अब जब इंद्रियों की अशक्तता है तो प्रवास करने में कोई मुश्किल आती है, तो ये बार बार भक्तों को आकर के प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली बात जो है वो अब हमारे लिए कोई तकलीफ है।
करने से नहीं होता, विचार की क्रिया प्रकट होती है। ज्ञान संचय करने से नहीं होता, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। जो ज्ञान संचय किया जाता है वो चित्त के ऊपर आवरण रूप होता है, चित्त के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं उस ज्ञान के, उस संचित ज्ञान के। जिस प्रकार से आपके चित्त के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के पर्दे पड़ जाते हैं, आवरण आ जाते हैं,
इसी प्रकार से जो ज्ञान आप, जो शास्त्र ज्ञान आप संचय करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, उस ज्ञान के भी आपके चित्त के ऊपर संस्कार संचित होकर के आवरण आ जाता है। शिव सूत्र में कहा गया, ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन का कारण है। कितनी बड़ी बात है, ज्ञान बंधन का कारण है। अरे ज्ञान कैसे बंधन का कारण हो गया? कौन सा ज्ञान बंधन का कारण है? पहला, जो जगत का ज्ञान आप संचय करते हैं वो ज्ञान बंधन का कारण है। जो ज्ञान जगत का आप इकट्ठा करते हैं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, जो आपको, जैसे ये नैपकिन रखा है तो मैंने इसको स्पर्श किया तो मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि यहाँ पर एक नैपकिन रखा है, ये ज्ञान बंधन का कारण है। इसी प्रकार से वाणी के द्वारा जो कुछ मैं बोलता हूँ और आप उसको श्रवण करते हैं वो ज्ञान बंधन का कारण है। जो आप देखते हैं और कई प्रकार की भावनाएं आपके चित्त के अंदर उदय होती हैं वो बंधन का कारण है। तो इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप जगत के अंदर जो कुछ भी ज्ञान संचय करते हैं वो सब ज्ञान बंधन का कारण है। अब रही बात साधन की, साधना की, तो साधना के द्वारा आप चिंतन से, मनन से, पठन पाठन से, कथा से, कीर्तन से, श्रवण से जो कुछ भी ज्ञान संचय करते हैं, जो कुछ भी भावनाएं आप बाहर से अपने अंतर में भरते हैं, उनका ज्ञान भी बंधन का कारण है। क्योंकि ये सब बाहर से अंदर आता है, ज्ञान बाहर से अंदर नहीं उंडेला जाता, अंदर से प्रकट किया जाता है। और अंदर से प्रकट कैसे किया जाता है? जब संस्कार क्षीण हो जाते हैं, शक्ति की क्रियाशीलता के कारण जब संस्कार संचित संस्कार जब क्षीण हो जाते हैं, धीरे धीरे करके चित्त निर्बल हो जाता है, तो जो चित्त के अंदर से जो ज्ञान होता है, चित्त के अंदर से जो आत्मा का प्रकाश होता है वो प्रकट होने लगता है। इस तरह से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, विचार की क्रिया अंदर से प्रकट होती है, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, ज्ञान अंदर से अनुभव होता है। जब तक हमको अनुभव नहीं हुआ, जैसे हमने शास्त्र के अंदर पढ़ लिया कि ये जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, इस ज्ञान को हमने अपने अंतर में धारण कर लिया, किंतु इतने से जगत आपको मिथ्या दिखाई तो देने नहीं लग गया, अनुभव नहीं होने लग गया कि ये जगत मिथ्या है। जगत आपको वास्तविक दिखाई देता है, यथार्थ रूप में दिखाई देता है, जैसा जगत है वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, नामात्मक जगत दिखाई देता है, किंतु आपको जगत का मिथ्यात्व प्रकट नहीं होता है। जब तक आपको जगत का मिथ्यात्व प्रकट नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक आपको वैराग्य भी नहीं होगा। आपका वैराग्य भी काल्पनिक होगा, आपका वैराग्य भावनात्मक होगा, अनुभवात्मक नहीं होगा, अनुभव युक्त नहीं होगा। तो अनुभव युक्त होना चाहिए कि ये जगत मिथ्या है, इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि ये जगत मिथ्या है। इसी प्रकार से आत्मज्ञान जो है वो भी कहीं संचय नहीं किया जाता, उसको कहीं शास्त्र में से पढ़ा नहीं जाता, उसको सत्संग के अंदर सुना श्रवण नहीं किया जाता, उसको विचार के द्वारा, प्रयत्न पूर्वक विचार के द्वारा अंतर में संचय नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब आवरण युक्त होता है। ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन का कारण है। तो ये जो कुछ भी आप संचय करते हैं, चाहे वो शास्त्र ज्ञान हो, चाहे वो जगत का ज्ञान हो, चाहे वो चिंतन मनन के द्वारा भावात्मक ज्ञान हो, या चाहे विचारात्मक ज्ञान हो, जो कुछ भी आप
अपने प्रयत्न से संचय करते हैं वो सब आवरण युक्त होता है। किंतु जब शक्ति जागृत हो जाती है, शक्ति जागृत होकर के क्रियाशील होकर के आपके चित्त के अंदर के संस्कारों को क्रियाओं में परिणत करके आपको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां करवाती है, अनुभूतियां करवाती हुई आपके चित्त के संस्कारों को, चित्त के अंदर संचित संस्कारों को एक एक करके कुरेद कुरेद करके उछाल उछाल करके उन्हें क्षीण करती चली जाती है, तब आपका चित्त निर्बल हो जाता है। और निर्बल चित्त के अंदर जो आत्मा का प्रकाश होता है वो ज्ञान होता है। आत्मा का अंदर से ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान बाहर से संचय नहीं किया जाता। मेरा कहने का भाव यही है। आप सब लोग साधक हैं, ये सब बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, इन सब बातों को आप पहले से ही जानते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बातें याद करवा रहा हूं, क्योंकि मनुष्य बार बार ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर उलझ जाता है जिसमें वो राग द्वेष के अंदर, काम क्रोध लोभ के अंदर, स्वार्थ और अभिमान के अंदर उलझ जाता है। क्योंकि मनुष्य की वृत्ति बहिर्मुखी है, उसका प्रयत्न बहिर्मुखी है, उसके अंदर एक ऐसा भाव बना बैठा है कि मैं जब तक करूंगा नहीं, पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैंने अपने पुरुषार्थ से ये कर लिया है, मैंने अपने प्रयत्न से वो खड़ा कर लिया है, मैंने अपने प्रयत्न से उसको बिठा दिया है, मैंने अपने प्रयत्न से इतना कमा लिया है और मैंने अपने पुरुषार्थ से इतना कुछ बना लिया है, और मैं अब आगे और ये करूंगा, ये कर लिया, ये कर रहा, ये कल करूंगा मैं, ये कर लिया, ये कर रहा, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्रो इंतजार में सारी गुजर गई, सारी आयु निकल जाती है, सारी आयु व्यतीत हो जाती है, यही सोचते सोचते कि ये कर लिया है, ये काम मैं कर रहा हूं और इस काम को मैं कल करूंगा, ये सोचते सोचते बहिर्मुखी वृत्ति, पुरुषार्थ प्रयत्न पूर्वक कर्म करने की जो वृत्ति है हमारे अंतर में, समर्पण युक्त नहीं। देखो, एक कर्म समर्पण युक्त होता है और एक कर्म अभिमान युक्त होता है, प्रयत्न युक्त होता है। तो यहां पर मैं जिस कर्म की बात कर रहा हूं वो अभिमान युक्त कर्म है। अभिमान युक्त कर्म करते करते सारी आयु व्यतीत हो जाती है, समर्पण का भाव उदय नहीं होता। समर्पण का भाव कब उदय होगा? जब अंतर में शक्ति की जागृति अपने से भिन्न प्रत्यक्ष अनुभव में आएगी। आपके समक्ष जब तक कोई है नहीं, जब तक कोई आपके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, तब तक आप किसी को समर्पण भी कैसे करोगे? यदि मैं आपके सामने बैठा हूं तो आप मुझे समर्पित हो सकते हो, और यदि मैं सामने नहीं हूं तो आप भावनात्मक दृष्टि से मुझे समर्पित करोगे। महाराज हैं, निवास में बैठे हैं और मैं उनको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और उनके उन्हीं के नाम पर जो कुछ भी है मैं वो सब कर रहा हूं, आपने मुझे देखा नहीं। इसी प्रकार से जब तक आपको ईश्वरीय शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी, तब तक आप समर्पित किसको करोगे? समर्पण कैसे करोगे, किसको करोगे? तो समर्पण अनुभव युक्त होना चाहिए, और अनुभव युक्त होने के लिए जिसके प्रति आप समर्पित होते हो वो प्रत्यक्ष आपके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। तो शक्ति की जागृति होने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो ये है कि शक्ति आपके समक्ष, शक्ति की क्रियाशीलता आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है।
आपको उसे समर्पण करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। समर्पण करने के लिए आपको किसी भाव की आवश्यकता, किसी भावात्मक आधार की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अनुभव होता है कि ये शक्ति है, ये सब कुछ ये कर रही है, और जो कुछ ये कर रही है वो मैं नहीं कर सकता। जो कुछ शक्ति कर रही है वो शक्ति ही कर सकती है, और शक्ति ने ही ये सारा जगत बनाया है। इस प्रकार का भाव पहले आप अपने आप रखते हैं, धीरे धीरे करके आपको अनुभव होता चला जाता है कि शक्ति ही जो कुछ करती है, सब उसी का संसार बनाया हुआ है, उसी की सृष्टि बनाई हुई है, उसी ने मुझे बनाया है, वही मुझे चलाती है, वही मुझे नचाती है, वही मुझे घुमाती है, वही मुझे गिराती है और वही मुझे उठाती है। जो कुछ करती है सब शक्ति करती है, इस बात की आपको प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। जब आपको इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है तो फिर आपको उसके प्रति समर्पित होने में किसी प्रकार का कोई भावनात्मक आधार की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो जाता है वो ये है कि जब आपको शक्ति की क्रियाशीलता अनुभव होती है अपने अंतर में, एकदम से आपके अंदर दृष्टा भाव उदय हो जाता है। दृष्टा भाव का उदय हो उठना साधन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। साधन के अंदर दृष्टा भाव का उदय हो जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक पठन पाठन करते रहो, शास्त्र मनन करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, तीर्थ यात्रा में चक्कर भी लगाते रहो, तो भी आपको दृष्टा भाव उदय नहीं होता। क्यों उदय नहीं होता? क्योंकि ये सभी कार्य आप प्रयत्न पूर्वक अभिमान युक्त होकर के करते हैं। पठन पाठन करते हैं तो मैं पठन पाठन कर रहा हूं, मैं वहां बैठा है, अभिमान बैठा है, मैं साधन कर रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं। अरे भाई भोजन तैयार है, भोजन कर लो, मैं थोड़ी पूजा कर लूं पहले, जल्दी से मैं पूजा करके और मैं भोजन झट कर लेता हूं, पर पूजा कर लूं, मैं पूजा कर लूं। तो मैं सब जगह वहां बैठा हुआ है, अभिमान सब जगह वहां पर खड़ा है। जो जो कुछ भी आप प्रयत्न पूर्वक करते हैं सबके अंदर आपका अभिमान पड़ बैठा हुआ है, और अभिमान जो है वो आपके अंदर दृष्टा भाव उदय नहीं होने देता। तो जो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात उदय हो जाती है कि जहां शक्ति जागृत होती है वहां तत्काल आपके अंदर ये देखे मेरे अंदर क्या हो रहा है, मुझे ये क्या अंतर में दिखाई दे रहा है, ये रंग कहां से आ गया, ये क्रिया कहां से उदय हो गई, ये भाव कैसे प्रकट हो गया। अपने आप अंदर में कुछ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं अपने आप चलती हैं, बाहर से अंदर की ओर जाना यही साधन है। बाहर तो हम जा ही रहे हैं, राइट अबाउट टर्न, वापस बाहर से अंदर की ओर जाना, हमने अपनी पुस्तकों के अंदर कई जगह लिखा है कि अपने आप को अंदर की ओर धकेलो और शक्ति आपको अंदर से अंदर की ओर खींचेगी। आप अपने आप को बाहर से अंदर की ओर धकेलोगे, इस प्रकार से साधना करो कि आप अपने आप को बाहर से अंदर की ओर धकेलो
और जो साधन करोगे उसमें शक्ति आपको अंदर से अंदर की ओर खींचेगी। तो बाहर से आप अंदर की ओर थकेलोगे और अंदर से शक्ति अंदर की ओर खींचेगी, यही साधन है। इसमें पहले आपका जब बाहर से अंदर की ओर धकेलोगे तो आपका अभिमान होगा, मैं बाहर से अंदर की ओर अपने आप को धकेल रहा हूं, ये थोड़ा सा अभिमान होगा। धीरे 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 करते करते ये अभिमान आपका गलित होता चला जाएगा और ये आप देखोगे कि शक्ति ही बाहर से अंदर की ओर भी धकेल रही है और अंदर से अंदर की ओर भी खींच रही है। ये जो अनुभव है ये शक्ति आपको करवाती है कि बाहर से अंदर की ओर भी वही धकेलती है और अंदर से अंदर की ओर भी वही खींचती है। एक हाथ इधर पीठ पर दे करके बाहर से अंदर की ओर खींचती है और दूसरे हाथ से पकड़ करके आपको अंदर से अंदर की ओर खींचती है। यही तो शक्ति की क्रिया है, यही तो शक्ति की साधना है, यही शक्ति की कृपा है और यही शक्ति की लीला है। और इस लीला को अनुभव करना यही साधन है। आप साधक नहीं हो, मैंने आपको कहा कि आप सब साधक हैं, लेकिन ये व्यवहारिक भाषा है। आप साधक नहीं हैं, आप में जितने भी बैठे हुए हैं कोई साधक नहीं है, क्योंकि यदि आप साधक हैं तो आप में अभिमान आ जाएगा कि मैं तो साधक हूं। तो साधक कौन है? साधक शक्ति है। और आप कौन हैं? आप शक्ति के हाथ के खिलौने हैं केवल मात्र, शक्ति के हाथ के यंत्र हैं, जिसको शक्ति कभी उछालती है, कभी उठा के पटक देती है, कभी रुलाने लगती है और कभी अट्टहास करके आप हंसने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं तो कभी नाचने लगते हैं और कभी ध्यान में बैठ करके ध्यानमग्न हो जाते हैं। कभी आपका मन चंचल हो जाता है तो कभी आपका मन स्थिरता धारण कर लेता है। ये सब शक्ति की लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से यदि आप विचार करके देखो, जो कुछ है सब शक्ति है, इसीलिए शक्ति को मां का रूप दिया जाता है। जिस प्रकार से माता बच्चे की को जन्म भी देती है और उसके बाद उसको 9 महीने तक अपने अंतर में धारण भी करती है और उसकी पालना भी करती है, उसको बड़ा भी करती है, इसी प्रकार से शक्ति जागृत होकर के बच्चे को एक साधक के रूप में जन्म देती है। जन्म तो आपका सबका हो गया, लेकिन उसके बाद आपका दूसरा जन्म होगा। कब होगा? जब आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाएगी, वो आपका वास्तविक जन्म होगा। जब शक्ति आपके अंतर में जागृत हो जा होकर के क्रियाशील हो जाती है तो वो आपका दूसरा जन्म होता है और उस जन्म होने के पश्चात फिर शक्ति साधन के द्वारा आपकी पालना करती है, अर्थात धीरे धीरे करके आपका चित्त निर्मल बनाती चली जाती है। आप बड़े होते चले जाते हो, उठते चले जाते हो, अध्यात्म के अंदर अंतर में आपकी यात्रा आगे बढ़ने लगती है, आप ऊपर उठते चले जाते हो। जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, पहले छोटा बच्चा होता है तो अपनी माता के साथ बात करता है तो ऐसे ऊपर मुंह उठा करके माता मुझे ले लो, माता मुझे उठा लो, ऐसे करता है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो माता उसको नीचे दिखने लगती है, फिर ऐसे ऐसे बात कर, तो पहले उसकी आंखें ऐसे ऊपर होती हैं और फिर उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपकी आंखें भी पहले तो ऊंचे होंगी और फिर धीरे धीरे नीचे हो जाएगी। तो शक्ति
माता की तरह है, शक्ति साध्य भी है, शक्ति साधक भी है और शक्ति साधन भी है। अरे भैया घड़ी घड़ी तो मेरे पास